हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक साथ चार एक्सटर्नल एलईडी लाइट को यूज करने किया जाएगा और उसको हम एक पैटर्न के साथ ऑन ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑलरेडी मैंने कोड लिख रखा है और मैंने पिन ऑलरेडी इसको सर्किट को बना रखा है। सर्किट कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाले ये चार हमारे पास यहाँ पिन है, ये अलग कनेक्शन है। कनेक्शन किस तरह से सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो। तो कनेक्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं, पहला आपका जो इस साइड का एलईडी लाइट है उसको D2 से, देन इसके बाद ये D3 D4 D5 से कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो पहला वाला D2 से है। इसका देखो मैंने यहाँ पर पिन मोड में जो है D2 को मैंने आउटपुट दिया, 3 को आउटपुट दिया, 4 को आउटपुट दिया, 3 को आउटपुट दिया, मतलब तीनों पिन हमारे आउटपुट के लिए एम द सिग्नल आउटपुट भेजने के लिए यूज किए जाएंगे। देन देखो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने LED जो पहले फर्स्ट को LED लाइट को मैंने 2 को हाई किया, उसका वो जल जाएगा। ठीक है, फिर एक सेकंड बाद दूसरा तीसरा वाला जल जाएगा, फिर एक सेकंड बाद फिर से चौथा वाला जल जाएगा, फिर एक सेकंड बाद पांचवा वाला जाएगा। इसका मतलब पहले दूसरा जलेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब सारे एक साथ ऑन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सारे ऑफ हो जाएंगे। ऑफ होने के बाद 2 सेकंड का वेट होगा, 200 माइक्रो सेकंड का वेट होगा। ये फिर से ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी, फिर से पहला जलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जलेगा, इस तरह से करके देखा। देखो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो देखो उसको मैं अपलोड करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख रहा, तो इस तरीके से और भी आप पैटर्न सोचिए, इस तरह से आना पर करने की कोशिश करिए। ठीक है, थोड़ा सा टिपकल लगेगा, थोड़ा सा समझने में लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा एफर्ट डालने की कोशिश करिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, तो अभी बहुत बेसिक हम चल रहे हैं, LED लाइट पे चल रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम RGB LED लाइट का यूज करेंगे। तो RGB में क्या होता है, हमारे पास 4 पिन होते हैं, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।